बांग्लादेशी घुसपैठिए गुरुग्राम में चला रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर सेक्स रैकेट। दरअसल गुरुग्राम पुलिस और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने एक ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ करके आई महिलाएं सेक्स रैकेट के काले कारोबार में शामिल पाई गई है। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि गुरुग्राम में कहां करोड़ों रुपए की कोठी में चलाया जा रहा था अंतरराष्ट्रीय सेक्स रैकेट। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम वो साइबर सिटी शहर, वो चकाचौंध इसकी जो सबको मोह लेती है, और इस चकाचौंध के बीच कुछ ऐसे काले कारोबार गुरुग्राम में किए जा रहे हैं जिसकी वजह से गुरुग्राम का नाम खराब हो जाए। दरअसल गुरुग्राम पुलिस और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने मंगलवार देर शाम गुरुग्राम के सेक्टर 56 इलाके में एक ऐसे ही काले कारोबार का भंडाफोड़ किया है, और इस काले कारोबार के बारे में जब आप जानेंगे तो आप भी वाकई में हैरान रह जाएंगे। तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये तस्वीरें गुरुग्राम के सेक्टर 57 इलाके की है। जी ब्लॉक में इस करोड़ों रुपए की कोठी में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। गुरुग्राम पुलिस और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को जैसे ही इस सेक्स रैकेट के बारे में पता लगा तो पुलिस ने एक रेडिंग पार्टी बनाई और यहां पर फर्जी ग्राहक भेजकर इस सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। दरअसल सेक्टर 57 के जी ब्लॉक में हाउस नंबर 3206 में होटल राव एस्टेट हाउस में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था, जब पुलिस ने यहां पर फर्जी ग्राहक बनाकर एक पुलिस कर्मी को भेजा तो इस पूरे काले कारोबार का भंडाफोड़ हुआ। यहां मौके से गुरुग्राम पुलिस ने 4 विदेशी महिलाओं समेत लगभग 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 10 लोगों में 4 लोग तो वो हैं जो इस काले कारोबार को चलाते हैं, जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को लड़कियों के फोटो भेजते हैं और उसके बाद रेट तय करके ये वैश्यवृत्ति का काला धंधा यहां पर किया जा रहा है। जब गुरुग्राम पुलिस का एक फर्जी ग्राहक यहां पर पहुंचा तो उसके बाद होटल के काउंटर पर उनको एक व्यक्ति मिला जिसने अपने आप को मैनेजर बताया, जिसका नाम है संजीव यादव, जो कि राजस्थान के बहरोड़ का रहने वाला है। उसके साथ ही संजय, जो कि बहरोड़ का ही रहने वाला है, वो ड्राइवर है जो अपनी गाड़ी में लड़कियों को सप्लाई करता है। इसके अलावा होटल के जो संचालक है दिलबाग, जो कि नारनौल का रहने वाला है, और एक और व्यक्ति को गुरुग्राम पुलिस ने यहां से गिरफ्तार किया जिसका नाम राम बाबू है, जो कि रेवाड़ी के बावल इलाके का रहने वाला है। ये यहां पर ग्राहक था और यहां पर वो इस काले कारोबार में संलिप्त होने आया था। इसके अलावा पुलिस ने यहां से 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आप जब इन महिलाओं की पहचान जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल इन 6 महिलाओं में 4 महिलाएं विदेशी हैं, यानी कि वो भारत की है ही नहीं, भारत के बाहर से वो यहां आकर इस काले कारोबार को कर रही है। पुलिस ने इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जो महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं इस वैश्यवृत्ति के धंधे में संलिप्त, उनकी पहचान 2 महिलाएं जो कि उज्बेकिस्तान की रहने वाली है, इसके अलावा 1 महिला जो कि चकरपुर में रह रही है गुरुग्राम में, यहां का उसका एड्रेस बताया गया है, जबकि 1 महिला गुवाहाटी असम की रहने वाली है। इसके अलावा पुलिस ने जो खुलासा किया है और जो जांच में खुलासा हुआ है वो ये कि 2 महिलाएं बांग्लादेश की रहने वाली है। अब जब पुलिस ने इन सभी 6 महिलाओं से पूछताछ की, इनके कागजात चेक किए, तो खुलासा ये भी हुआ कि जो बांग्लादेश की रहने वाली 2 महिलाएं हैं उनके पास से किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है, ना उनके पास पासपोर्ट है ना ही उनके पास वीजा है। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वो घुसपैठ करके भारत में आई हैं और भारत में इसी तरह का काम वो यहां पर करती हैं। हालांकि उज्बेकिस्तान की दोनों महिलाओं से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उनसे पुलिस को पासपोर्ट भी मिले हैं और वैलिड कागजात भी मिले हैं, वीजा भी मिले हैं, यानी कि वो भारत वीजा पर आए और यहां आकर इस काले कारोबार में जुट गए। अब पुलिस ने इन 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस इनको कोर्ट में पेश करेगी, लेकिन इस काले कारोबार को चलाने वाले और इस पूरे जो रैकेट है इसका जो सूत्रधार है, जो दलाल है, वो अभी गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक जो इस पूरे सेक्स रैकेट का दलाल है, जिसका नाम उदय कुमार चौधरी है, जो कि गुरुग्राम के ही डीएलएफ फेज 3 इलाके में रहता है, वो अभी फरार बताया जा रहा है। हालांकि जो इस प्रॉपर्टी का ओनर है, जिसने ये प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई है, उसका नाम है अभिषेक चौधरी, जो कि झज्जर का रहने वाला है, वो भी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और पुलिस का दावा है कि इन दोनों आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक खुलासा ये भी हुआ है कि ये पूरा काला कारोबार व्हाट्सएप के माध्यम से चलाया जा रहा था। व्हाट्सएप के माध्यम से ये कस्टमर से संपर्क करते, उनको ऑनलाइन ही फोटो भेजते और उसके बाद फिर पैसों का बात तय करने के बाद ये फिर लड़कियों को सप्लाई यहां से किया करते थे। हालांकि पुलिस ने यह भी खुलासा किया है, इस होटल के अंदर भी देव व्यापार का काला कारोबार
किया जा रहा था। अब पुलिस इन सभी लोगों को गुरुग्राम जिला न्यायालय में पेश करेगी, उसके बाद पुलिस आगे की पूरे मामले में जांच करेगी। हालांकि इस केस में अभी तक गुरुग्राम पुलिस ने ट्रैफिकिंग एक्ट, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, इसके अलावा वैश्यवृत्ति और कई धाराओं के तहत इन सभी लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही दो आरोपी जो कि प्रॉपर्टी ओनर है और जो इस सेक्स रैकेट का दलाल है, उसकी गिरफ्तारी करने के लिए गुरुग्राम पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर रेड कर रही है। देखना होगा इस पूरे सेक्स रैकेट में कितने और लोगों के शामिल होने की बात पता चलती है, इस सेक्स रैकेट का असली सूत्रधार कौन है और किसके कहने पर, किसकी शह पर इतने बड़े स्केल पर यह सेक्स रैकेट गुरुग्राम में चलाया जा रहा था। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।